हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एपीके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निमी मॉक टेस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, LDR। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? राइट आंसर बी, BY126। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है? राइट आंसर सी, Fin=2Fin। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सक्रिय घटक कौन सा है? राइट आंसर डी, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? राइट आंसर डी, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक का नाम क्या है? राइट आंसर डी, दो इनपुट नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? राइट आंसर डी, संधारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? राइट आंसर सी, डायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं? राइट आंसर डी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? राइट आंसर डी, दोलन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? राइट आंसर सी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफायर का नाम क्या है? राइट आंसर बी, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर सी, 1/2π√LC। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? राइट आंसर सी, 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः चार रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है? राइट आंसर सी, 25,650 ओम से 28,350 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? राइट आंसर ए, कम परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स बायस डायोड में चोड़ी बाधा का कारण क्या है? राइट आंसर डी, इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? राइट आंसर ए, नो आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? राइट आंसर ए, LC फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? राइट आंसर डी, IGBT। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है? राइट आंसर सी, दशमलव को 2 से विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ए, डेटा इनपुट संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? राइट आंसर सी, एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? राइट आंसर ए, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? राइट आंसर डी, मोटरों का गति नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर प्रतिरोध
आर वन का कार्य क्या है? राइट आंसर डी, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बेस में सी वन के माध्यम से एल वन को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? राइट आंसर बी, परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, बोरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिन्नति की आवश्यकता होती है? राइट आंसर सी, बेस पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? राइट आंसर ए, स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? राइट आंसर ए, विकृति को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी, ट्रिगर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, ट्रायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है? राइट आंसर बी, तीसरा चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? राइट आंसर सी, नोर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRO में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नोब का उपयोग क्या है? राइट आंसर ए, स्वीप स्पीड का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नेवर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर ए, गलत ट्रिगर से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? राइट आंसर डी, 10.8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? राइट आंसर ए, उच्च बाधा वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ट्रांसफॉर्मर का सेंटर टेप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? राइट आंसर ए, शून्य वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? राइट आंसर ए, हार्टले ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? राइट आंसर ए, हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? राइट आंसर डी, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमिटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है? राइट आंसर सी, आरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है? राइट आंसर ए, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर सी, सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? राइट आंसर ए,
वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर ए, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन चैनल जेफेट का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत है? राइट आंसर डी, गेट सोर्स के साथ पश्च अभिनत है। ट्रांजिस्टर B2 से B1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है? राइट आंसर सी, टी ऑन बराबर TD+TR। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु संपर्क, विकसित, डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? राइट आंसर डी, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? राइट आंसर ए, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है? यदि एमिटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनत है। राइट आंसर डी, एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? राइट आंसर ए, न्यूनतम विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? राइट आंसर सी, दोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? राइट आंसर डी, सकारात्मक फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? राइट आंसर डी, ट्रेगर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? राइट आंसर सी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे फैट की तुलना में MOSFET के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? राइट आंसर ए, जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? राइट आंसर डी, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 220 वोल्ट RMS AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है? राइट आंसर बी, 311.17 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRO के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर ए, CRO प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2 माइक्रोसेकेंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है? राइट आंसर डी, 1000 KHz। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है? राइट आंसर सी, गुनगुनाती आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? राइट आंसर वी, कुचालक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ CE एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है? राइट आंसर डी, 6600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रभाव है अगर SCR को चालन में लैच किया जाता है और DC में गेट करंट हटा दिया जाता है? राइट आंसर डी, गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JFET में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है? राइट आंसर वी, ड्रेन करंट शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? राइट आंसर ए, 3 तार DC आपूर्ति प्रणाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केवल बंधों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, नायलॉन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? राइट आंसर ए, सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? राइट आंसर डी, सहायक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरी का क्या नाम है? राइट आंसर ए, डीन रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अंकित डिवाइस का नाम क्या है? राइट आंसर डी, ओवरलोड रिले ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? राइट आंसर डी, केवल बांधने की पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गोंद का क्या नाम है? राइट आंसर सी, क्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? राइट आंसर डी, मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? राइट आंसर ए, लिमिट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है? राइट आंसर वी, आइसोलेटिंग स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? राइट आंसर डी, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, लिफ्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? राइट आंसर सी, 9 वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? राइट आंसर सी, आपूर्ति वोल्टेज और लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीवी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, डीन रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? राइट आंसर सी, थर्मल रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है? राइट आंसर डी, सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? राइट आंसर डी, किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? राइट आंसर वी, AC2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? राइट आंसर बी, स्टार मेन टाइमर डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? राइट आंसर वी, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है? राइट आंसर डी, डेल्टा में ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? राइट आंसर सी, बिजली के तारों और
सुरक्षा के लिए रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी, मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? राइट आंसर डी, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विय समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ए, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्या है? राइट आंसर डी, स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? राइट आंसर ए, टाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के डीसी फोर मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? राइट आंसर सी, श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं? राइट आंसर सी, स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? राइट आंसर सी, लग्स और थिम्बल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें? राइट आंसर बी, क्रोमेट्स का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है? राइट आंसर डी, कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस बेज में क्यों चलते हैं? राइट आंसर बी, रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है? अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है? राइट आंसर सी, रिवर्स कॉन्टैक्टर में इंटरलॉक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? राइट आंसर बी, ड्राइव नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर डी, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है? राइट आंसर ए, गति बनाम बलागुण विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? राइट आंसर बी, डीसी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? राइट आंसर सी, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर बी, बेसिक ऑपरेशन पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामिक्स और ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है? राइट आंसर डी, परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है? राइट आंसर बी, यह मोटर की ओवरलोडिंग
स्थिति का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ड्राइव में B/F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है? राइट आंसर डी, सभी गति पर रेटेड बलाघूर्ण बनाए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, साइक्लो कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है? राइट आंसर बी, गति संवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? राइट आंसर ए, घुमाने वाली मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, स्लिप कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जोग कुंजी का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी, इंचिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर LCD का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी, पैरामीटर की निगरानी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है? राइट आंसर डी, विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? राइट आंसर डी, माइक्रोप्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है? राइट आंसर सी, मोटरों में नियंत्रण रहित गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्राइव में IGBT का कार्य क्या है? राइट आंसर वी, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? राइट आंसर डी, कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा है? राइट आंसर बी, स्थापना और चलाने की लागत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर डी, अपकेंद्री पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है? राइट आंसर सी, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? राइट आंसर ए, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में LCD का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी, एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के BOP में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है? राइट आंसर सी, प्रेस ऑन ऑफ रिवर्स ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्राइव के BOP में प्रोग्राम डाटा बटन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी, दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है? राइट आंसर डी, आर्मेचर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में IGBT क्या है? राइट आंसर ए, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, VSI ड्राइव का कार्य क्या है? राइट आंसर बी, एसी को एसी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्यों एसी ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी संट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? राइट आंसर ए, फील्ड करंट को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? राइट आंसर डी, आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? राइट आंसर बी, 228 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? राइट आंसर डी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPS की फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर डी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? राइट आंसर सी, साइक्लो कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PWM का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर बी, पल्स विड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफलाइन UPS पर ऑनलाइन UPS का क्या फायदा है? राइट आंसर डी, परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, फीडबैक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर वी, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है? राइट आंसर ए, ऑटो स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? राइट आंसर ए, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? राइट आंसर सी, टीवी रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर का कार्य कौन सा है? राइट आंसर बी, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफॉर्मर का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी, एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? राइट आंसर सी, फैरो अनुनादित सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? राइट आंसर सी, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, मल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? राइट आंसर डी, दोलक एम्पलीफायर और ट्रांसफॉर्मर उत्पादन चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? राइट आंसर डी,
सामान्य प्रकाश व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर बी, बैटरी की एएच क्षमता बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है? राइट आंसर ए, ट्रिकल चार्ज प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? राइट आंसर ए, बैटरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। राइट आंसर बी, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है? राइट आंसर डी, बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है? राइट आंसर बी, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है? राइट आंसर वी, गलत ओवरलोड सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? राइट आंसर ए, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? राइट आंसर डी, ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है? राइट आंसर बी, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? राइट आंसर ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? राइट आंसर ए, हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? राइट आंसर ए, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स को नाम दें। राइट आंसर बी, सर्ज टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? राइट आंसर बी, सूरज की किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? राइट आंसर ए, कम दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है? राइट आंसर डी, परमाणु शक्ति उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? राइट आंसर वी, टरबाइन कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर वी, आवेग टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन बिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का कार्य क्या है? राइट आंसर वी, टरबाइनों तक पानी पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी, पानी को भाप में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? राइट आंसर सी, पन बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है?
राइट आंसर सी, पवन चक्की बिजली उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है? राइट आंसर ए, घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? राइट आंसर वी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? राइट आंसर डी, जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टिक सेल पर टकराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या है? राइट आंसर डी, फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आगत वायु को गर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है? राइट आंसर ए, कचरे का निपटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या है? राइट आंसर सी, फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है? राइट आंसर डी, प्रदूषण घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का क्या कार्य है? राइट आंसर सी, बैटरी की ओवरचार्जिंग को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर वी, इकोनोमाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का क्या फायदा है? राइट आंसर सी, इसमें उच्च शक्ति घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है? राइट आंसर सी, परमाणु शक्ति संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? राइट आंसर डी, वेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? राइट आंसर डी, पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य क्या है? राइट आंसर वी, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फायदा है? राइट आंसर डी, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? राइट आंसर डी, पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है? राइट आंसर वी, स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? राइट आंसर वी, आउटपुट घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या है? राइट आंसर वी, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? राइट आंसर ए, फीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? राइट आंसर वी, 1 मेगा ओम से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता कारक क्या है? राइट आंसर ए, मिनिमम एक्चुअल लोड बटे इंस्टॉलेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है? राइट आंसर ए, 415 वोल्ट / 240 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? राइट आंसर डी, सैकले इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है? राइट आंसर डी, निलंबन प्रकार इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IE नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है? राइट आंसर ए, 800 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेटर का नाम क्या है? राइट आंसर डी, सिंगल सैड पिन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है जो AC की तुलना में DC के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? राइट आंसर वी, कोई त्वचा प्रभाव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहा है? राइट आंसर डी, वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है? राइट आंसर सी, ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रवलित किया जाता है? राइट आंसर सी, तन्यता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? राइट आंसर डी, 3 फेज 3 तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, सैकले इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? राइट आंसर ए, स्पार्किंग से बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? राइट आंसर ए, ACSR। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी, ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, HT ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर वी, डिस्क इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है? राइट आंसर डी, वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी से स्टेप डाउन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACSR का मतलब क्या है? राइट आंसर डी, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी, इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को किधर से जकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है? राइट आंसर वी, दोष आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है? राइट आंसर डी, वितरण सबस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा? राइट आंसर सी, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों को बांधने वाले एल्युमिनियम क्रोड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है? राइट आंसर वी, बांधने वाले घुमावों को कसकर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, OH कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव का क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है? राइट आंसर ए, नगण्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? राइट आंसर सी, ELCV। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर कट ऑफ के बाद
कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं? राइट आंसर डी, लेचिंग रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? राइट आंसर वी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? राइट आंसर सी, MBA। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है? राइट आंसर डी, रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी MCV द्वारा संरक्षित है? राइट आंसर सी, एयर कंडीशनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC और DC आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर वी, आवेग रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर वी, मिनी एचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप क्वाइल का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर वी, रिमोट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है? राइट आंसर डी, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ELCV में स्थायी रूप से बंद है तो इसका क्या प्रभाव है? राइट आंसर सी, सर्किट पूरी तरह से बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है? राइट आंसर ए, रिले की गलत सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? राइट आंसर सी, कम परावैद्युत शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है? राइट आंसर वी, इंसुलेशन विफलता। दोस्तों, PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।